हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और आज हम बनाएंगे बिहार और यूपी की फेमस रेसिपी। आप इसे इस फेस्टिवल में इजीली बना सकते हैं और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं लगते हैं। ये घर की चीज़ों से इजीली बन जाती है। इसके लिए हम लेंगे अरवा चावल या फिर बासमती चावल। यहाँ मैंने आपको दो तरीके के चावल दिखाए। ये चावल बॉयल्ड राइस है जो आप डेली खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जिस चावल से इस मिठाई या फिर रेसिपी को बनाएंगे उसके लिए हमें चाहिए अरवा चावल। तो यहाँ मैंने अरवा चावल 2 कप पानी में डाल के 2 से 3 घंटे के लिए अच्छे से धोकर भिगो दिया था। और अब आप देख सकते हैं 3 घंटे के बाद हमारा चावल बहुत ही अच्छे से पानी को सोख ली है और ये फूल के एकदम डबल हो गया है और एकदम वाइट दिख रहा है। तो जब भी आप इस रेसिपी को बनाएं या फिर अरवा चावल का ही यूज़ करें या फिर इसकी जगह बासमती राइस का यूज़ करें, लेकिन बॉयल्ड राइस का आप यूज़ बिल्कुल ना करें, उससे ये रेसिपी अच्छी नहीं बनती है। तो अब हम क्या करेंगे, एक कॉटन के कपड़े के ऊपर सारे चावल को अच्छे से इस तरीके से हाथों से हम फैलाते हुए इसे 1 से 2 घंटे के लिए पंखे की हवा या फिर नॉर्मल जहां हवा आती है उस जगह पे रख देंगे, जिससे होगा क्या कि इसका सारा मॉइस्चर जो है वो अच्छे से सूख जाएगा या फिर ड्राई हो जाएगा, जिससे चावल हमारे एकदम परफेक्ट और खिले खिले लगेंगे। और अब आप देख सकते हैं इसे यहाँ मैंने 2 घंटे के लिए पंखे की हवा के नीचे रख दिया था और अब इसका मॉइस्चर काफ़ी हद तक कम हो गया है और चावल भी हमारे एकदम खिले खिले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, चावल को छोटे वाले मिक्सर जार में इस तरीके से डालते हुए हम इसे चला करके इसका पाउडर बना लेंगे। आप चाहे तो रेडीमेड बाज़ार का पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है रेडीमेड वाले पाउडर जो होता है बहुत लंबे टाइम से रखे रहते हैं तो उसका ये रेसिपी अच्छे से नहीं बनेगी। तो आप इसे इस तरीके से बनाएंगे तो मेरी गारंटी है कि आपका जो रेसिपी है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और अब हम क्या करेंगे, चावल को अच्छे से पीस कर हम इसे छन्नी से छान लेंगे, जिससे इसके जो मोटे चावल के जो दाने हैं वो छन्नी में रह जाएंगे और बारीक वाले छन्नी में से छन जाएंगे। हमें इसका बारीक पाउडर बनाना है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सारे चावल को पीस के अच्छे से छान ली हूँ और इसका बहुत ही बढ़िया बारीक पाउडर बन के तैयार हो गई है। और अब हम चावल के पाउडर को साइड में रखेंगे और सेम जार में ही हम 1 कप चीनी डालेंगे। चीनी डालकर हम ढक्कन लगाकर इसका एकदम बारीक या महीन पाउडर बना लेंगे। और अब आप देख सकते हैं चीनी को भी यहाँ मैंने अच्छे से पीस के इसका बारीक पाउडर बना ली हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, चीनी को साइड में रखेंगे और एक बर्तन लेंगे और जिस कप से हमने चीनी लिया था उसी कप से अब हम पाउडर शुगर को इस तरीके से जार से डायरेक्ट कप में डालेंगे और इसे मेज़र कर लेंगे। आप कप की जगह कोई सा भी घर की कटोरी या फिर ग्लास का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं थोड़े से पाउडर ग्राइंडिंग जार में बच गए हैं और हम 1 कप चीनी इस बर्तन में डालेंगे और अब हम सेम कप से ही 2 कप चावल का आटा हम चीनी में डालेंगे। और अब आप देख सकते हैं चीनी और चावल का आटा बिल्कुल वाइट है, इसमें बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप जब उसे टच करेंगे तो चीनी वाला जो है पाउडर वो बहुत ही महीन रहता है और चावल वाला थोड़ा सा दानादार रहता है। और अब हम 1 और कप चावल का पाउडर डालेंगे। यहाँ मैंने 1 कप चीनी पाउडर में 2 कप चावल के पाउडर का यूज़ की हूँ। आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन 1 कप पाउडर शुगर में 2 कप चावल का आटा डालेंगे तो आपका जो रेसिपी है बिल्कुल हलवा स्टाइल और परफेक्ट मिठास के साथ बनेगी। और यहाँ मैंने चीनी के पाउडर और चावल को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ तो हम इसमें 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। घी डालने से आपका जो रेसिपी एकदम हलवाई जैसा ऊपर से एकदम करारा और खस्ता बनेगा और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। घी डाल करके हम चावल के पाउडर और चीनी में इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम साफ हाथ से इसे अच्छे से इस तरीके से मसलते हुए या मिलाते हुए मिक्स कर लेंगे, जिससे घी इक्वली चावल के पाउडर में मिक्स हो जाएगी। और इसमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला 2-3 से 4 चम्मच हम चावल के पाउडर में डालेंगे और इसे हाथों से ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावल के पाउडर में हम एक साथ ढेर सारा दूध नहीं डालेंगे, हम इसे चम्मच से ही
एक एक चम्मच करके डालेंगे, जिससे हमारा जो डो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और ये गीले भी नहीं होगी, क्योंकि हम इसमें जब थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे तो ये चीनी के साथ अच्छे से मिक्स होगी, और जब चीनी दूध के साथ मिक्स होगी तो वो अपना भी मॉइस्चर रिलीज़ करेगी, जिससे हमारा जो चावल के पाउडर का डो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और अब यहाँ मैंने 2 से 3 चम्मच और इसमें दूध डाली हूँ। दूध डालकर अब हम इसे फिर से मिक्स करेंगे, और अब आप देख सकते हैं इसका इंस्टेंट डो बनके तैयार हो गया है। यहाँ मैंने टोटल 6 से 7 चम्मच दूध का यूज़ किया हूँ, और अब आप देख सकते हैं डो हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइम पे इसे अच्छे से सेट कर लेंगे और इसी तरीके से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ मैंने दूसरे प्लेट में तिल ले ली हूँ, ये कच्चे वाले तिल है, तो यहाँ इस रेसिपी को बनाने के लिए आप कच्चे तिल का ही यूज़ करें, जिससे आपकी रेसिपी एकदम स्वादिष्ट और बिल्कुल परफेक्ट हलवाई जैसी बनेगी। और अब हम साफ हाथ से थोड़ा सा डो लेंगे, यहाँ मैंने नींबू के साइज का डो ली हूँ, और अब हम इसे हथेली से रोल कर लेंगे और इस तरीके से हाथों से दबाते हुए इसे चपटा कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं हम इसे तिल में अच्छे से डिप कर लेंगे, और अब हम इस तिल वाले जो डो को है इस तरीके से प्लेट में उल्टा करके रखेंगे, जिससे हमारा जो प्लेट में जो हमने डो रखा है वो बिल्कुल चिपकेगी नहीं। और इस तरीके से आप मिनटों में ढेर सारे अनरसे बना के तैयार कर लेंगे। और ये देखें, यहाँ मैंने दूसरा डो को भी अच्छे से तिल में अच्छे से कोट कर ली हूँ, जिससे तिल अच्छे से चिपक जाते हैं, और इस तरीके से आप प्लेट में बना के भी रख सकते हैं। और यहाँ मैंने मार्केट जैसे 2 अनरसे बना के तैयार कर ली हूँ, और अब हम तीसरा वाला, मैं यहाँ पे अनरसा गोली बना करके दिखा रही हूँ। आप सेम तरीके से सेम डो का भी अनरसा गोली भी इस तरीके से बना सकते हैं। गोली बनाकर हम इसे तिल में अच्छे से इस तरीके से घुमाते हुए रोल कर लेंगे, और ये देखिए हमारा अनरसे का गोली बनके भी तैयार हो गई है। तो हम क्या करेंगे, इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। और इस तरीके से आप इंस्टेंट अनरसा गोली या फिर अनरसा बिल्कुल मार्केट जैसा घर पे ही बना पाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई को गर्म होने देंगे, और अब हम इसमें फ्राई करने के लिए तेल डालेंगे। यहाँ मैं लोहे की कढ़ाई में इसे बना रही हूँ। आपने देखा होगा जब भी हलवाई जलेबी या फिर कोई भी आइटम फ्राई करने वाला बनाते हैं वो लोहे का ही कढ़ाई यूज़ करते हैं, तो यहाँ आप भी चाहे तो फ्राई करने के लिए इस तरीके से छोटा सा लोहे का कढ़ाई रख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है और तेल भी साथ में गर्म हो गई है, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके इस तरीके से अनरसा को तेल में डालेंगे, और गैस का फ्लेम इस टाइम पे मीडियम रखेंगे, जिससे अनरसा हमारा ऊपर से भी क्रिस्पी बने और अंदर से भी अच्छे से पकेंगे। और इस तरीके के अगर आप लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो आप गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें, और अगर आप मोटे तले वाले कढ़ाई या फिर फ्राई पैन का यूज़ कर रहे हैं तो उसके अनुसार से गैस का फ्लेम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम अनरसे को पलट कर दूसरी तरफ से भी सुनहरा या गोल्डन कलर आने तक अच्छे से फ्राई होने देंगे, और एक बार में जितने अनरसे कढ़ाई में आ सके तो आप उतना ही डालें, उससे ज़्यादा ना डालें, नहीं तो फिर वो बिल्कुल अच्छे और परफेक्ट नहीं बनेंगे। अनरसे को फ्राई करते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं, और हमने जो पहले 2 अनरसे डाले थे आप देख सकते हैं उसमें बहुत ही बढ़िया और सुंदर गोल्डन कलर आ गई है। इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, कढ़ाई में से अनरसे निकाल लेंगे, और अब हम क्या करेंगे, इसे प्लेट में निकाल लेंगे, जिससे अनरसे हमारे अच्छे से ठंडे होंगे, तब और भी ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। और ये अनरसा बाजार के अनरसे कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी होते हैं, तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाएं। और ये देखिए, यहाँ मैंने सेम तरीके से सारे अनरसे बना करके इसे प्लेट में सर्व कर ली हूँ, और ये देखने में जितना टेस्टी और कलरफुल लग रहा है ये खाने में उससे कहीं ज़्यादा
स्वादिष्ट और हेल्दी होता है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि अनरसा हमारे अंदर से भी कितने अच्छे सॉफ्ट बने हैं। तो आप इस तरीके से अनरसा घर पे बनाएं और अपना फीडबैक एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मेरी गारंटी है कि एक बार में ही आपके अनरसा बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और यहाँ मैंने 1 से 2 अनरसा की गोली और बाकी सारे का बाजार या मार्केट स्टाइल अनरसा बना के तैयार कर ली हूँ। तो आपको जो भी ईजी लगे, आप बिना चाशनी, बिना मावा, बिना किसी झंझट के एकदम मार्केट स्टाइल बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी अनरसा इजीली घर पे बना सकते हैं। तो इसे ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। और फेस्टिवल पे आप इसे पहले से भी बना करके स्टोर करके रख सकते हैं।